निकाय चुनाव के बाद नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की और मंच पर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलए रितेश गुप्ता, नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा के साथ निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले पार्षदों को शपथ दिलाई गई और बाद में बोर्ड की बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। बोर्ड की बैठक में शहर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और सभी ने अपने विचार रखे। नगर निगम की ओर से अधिनियम में संशोधन करते हुए विभिन्न नए कानून बनाए गए, जिनके सहारे शहर को स्वच्छ और साफ रखने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि अब महानगर की जनता को कूड़ा उठान का पैसा देना होगा। नगर निगम ने इसके लिए दो कैटेगरी तैयार की है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल। रेजिडेंशियल में जनता को 20 रुपए से 150 रुपए के हिसाब से अपना पैसा अदा करना होगा, तो वहीं कॉमर्शियल में जनता को 200 से 10,000 रुपए तक के पैसे अदा करने होंगे। निगम के इस प्रस्ताव को पार्षदों ने ध्वनि मत से पास किया, तो वहीं इस बार नगर निगम का कार्य डिजिटल प्रणाली से कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम कुल 28,95,000 रुपए अदा करेगा। सभी पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए सफाई, निर्माण, पानी और बिजली के साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा की है। नगर निगम की बैठक में राधा रानी ठेकेदारी का मामला भी खूब गरमाया। जिसमें नगर आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोजित बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने भी खूब शोर शराबा किया, लेकिन गहमा गहमी के बीच आखिरकार बैठक का समापन हो ही गया। Thank you.